हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। उम्मीद कर रहा हूं चैप्टर नंबर 7 का पहला लेक्चर देख लिया होगा, ठीक है ना, और चीजें समझ में आने लगी होंगी कि आखिरकार प्रिंसिपल्स में हमको पढ़ना क्या है। ठीक है ना, हम लोगों को प्रिंसिपल्स है ना पढ़ना क्या, हमको बेसिक प्रिंसिपल कि आखिर किन चीजों पर वो चीज टिकी हुई है, वो किन चीजों को मानती है, किन के ऊपर बेस है हमारा आयुर्वेदा, मतलब पहला वाला चैप्टर में। यहां हम देखेंगे सिद्धा। सिद्धा वर्ड जो है वो सिद्धि से आया हुआ है। सिद्धि क्या होता है, हम लोग ऐसा शब्द सुना होगा तुम लोगों ने, हम लोग कहते हैं कि इन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली है ना, तो बस वही चीज है सिद्धि। तो आओ स्टार्ट करते हैं। सिद्धा क्या है ये सिस्टम, मेडिसिन को लेकर के बात करते हैं इसमें। कह रहा है सिद्धा इज अ तमिल वर्ड। क्या कह रहा है? सिद्धा इज अ तमिल वर्ड। ये एक तमिल वर्ड है, यानी कि ऑब्वियसली बात है होने क्या वाला है कि ये हमारा जो साउथ इंडिया है वहां से आया हुआ कुछ है। आओ देखें क्या है। डेराइव्ड फ्रॉम सिद्धि, किससे डेराइव हुआ है? सिद्धि से, जिसका मतलब होता है अटेनिंग परफेक्शन, जिसने एकदम परफेक्शन, एकदम परफेक्ट। परफेक्ट कौन होता है? हम लोग कहते हैं उसने सिद्धि प्राप्त कर ली है, मोह माया से दूर, ठीक है ना, जो संसार के मोह माया से दूर हो जाता है, हम लोग कहते हैं उसने सिद्धि प्राप्त कर ली, परफेक्ट हो गया हमारे हिसाब से वो, ठीक है। तो इन लाइफ और हेवनली ब्लिस, या हम कहते हैं उसको स्वर्ग से नवाजा गया है, मतलब उसको ब्लेसिंग है भगवान की, इस टाइप से मानते हैं हम लोग उसको, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, तो बात समझ में आया सिद्धा क्या है, कहां से आया शब्द? इट इज एक्सक्लूसिवली लिंक्ड विद तमिल कल्चर। ये सिर्फ और सिर्फ तमिल कल्चर से लिंक है और वहां की सिविलाइजेशन से लिंक है। इट इज फॉरमोस्ट ऑल अदर मेडिकल सिस्टम। कहा जाता है कि ये हर मेडिकल सिस्टम से सबसे पहले आया था, ठीक है ना, इन द वर्ल्ड। इट्स ओरिजिन गोज बैक टू 10,000 BC से 4,000 BC पहले तक इसका ओरिजिन माना जाता है, जो चीजें अब तक हमको यहां पे मिली है, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं ये जो ओरिजिन वाली बात है, ये डाटा थोड़ा सा वेरी कर सकता है, इसके लिए परेशान नहीं होना। आगे आते हैं, इंट्रोडक्शन की बात करें। द सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन मेनली प्रैक्टिसाइज इन साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये खासकर कहां पे प्रैक्टिसाइज किया जाता है? साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। साउदर्न मतलब हमारा जो साउथ पार्ट है इंडिया का। इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम। सबसे पहला ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम था, सबसे पहला, अर्लीस्ट इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। एंड डील्स विद, डील करता है किससे? फिजिकल, साइकोलॉजिकल, किस किस में डील करता है, किस किस बारे में बात बताता है? फिजिकल, हमारी फिजिकल हेल्थ के बारे में, साइकोलॉजिकल, हमारे दिमाग के बारे में बात करता है, सोशल एंड स्पिरिचुअल, सोशली हम लोग कैसे बिहेव करेंगे, हमारा स्पिरिचुअल है उसके बारे में बात करता है, वेलबींग, इन सब चीजों में ऑफ एन इंडिविजुअल। एक इंसान, ठीक है, उसकी फिजिक कैसी है, माइंड कैसा है, सोशली कैसा है वो, और स्पिरिचुअली कैसा है वो, इन सब बातों में डीलिंग होती है। द रूट्स ऑफ दिस सिस्टम, जड़ें जो है इस सिस्टम की, इंटरवाइंड विद द कल्चर ऑफ एंशियंट तमिल सिविलाइजेशन। इंटरवाइंड मतलब मिक्सअप हो रखी है, जो तमिल सिविलाइजेशन है उससे इसका जो जड़े हैं वो कहीं ना कहीं मिली हुई है जाकर के, ठीक है। तो बात समझ में आ गया, आयुर्वेदा हमारा क्या था? नॉर्दर्न पार्ट का है, ठीक है, ये हमारा साउदर्न पार्ट का हो गया। अब बात करते हैं बेसिक प्रिंसिपल और कंसेप्ट, किन बातों पर ये टिका हुआ है और किन बातों को ये मानता है। तो आप देखें जरा, कह रहा है इन सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन मैन इज व्यूड एज माइक्रोकॉस्म, सूक्ष्म जगत, पूरा ब्रह्मांड एक जगत और इंसान एक छोटा जगत, ठीक है ना, पूरी दुनिया समाई उसके अंदर छोटी सी दुनिया मानी जाती है, माइक्रोकॉस्म, एंड द यूनिवर्स एज मैक्रोकॉस्म, संपूर्ण संसार, और पूरे ब्रह्मांड को क्या माना गया है? मैक्रोकॉस्म माना गया है। इन अदर वर्ड, मैन इज अ मिनिएचर, लघु, मिनिएचर मतलब लघु, छोटा यूनिवर्स है इन हिमसेल्फ, इंसान जो है अपने आप में एक छोटा यूनिवर्स है, ठीक है ना, मैन इज अ मिनिएचर, जिसका मतलब होता है लघु, बहुत छोटा सा यूनिवर्स है अपने आप में। ये बात समझ में आ रही है? तो देखो बच्चे, इसमें एक चीज बता दूं मैं कि इसमें बहुत सारे शब्द आने वाले हैं, तो क्योंकि पहली बार पढ़ोगे तो इसमें शब्द इतने ज्यादा होने वाले हैं कि शब्द मतलब नए नए शब्दों का इसमें बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं। तो जैसे माइक्रोकॉस्म मिल गया, माइक्रोकॉस्म मिल गया, तो धीरे धीरे इनको लर्न करना स्टार्ट कर देना, एकदम से याद नहीं होंगे। फिर क्या कह रहा है? The होल यूनिवर्स इन टर्न इज बिलीव टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ 5 प्राइमोर्डियल एलिमेंट। माना जाता है या कहा जाता है, पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड
बना हुआ है किसका, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब पूरी ब्रह्मांड माना जाता है कि बना हुआ है फाइव प्राइमोर्डियल मौलिक, हम कहते हैं मौलिक सिद्धांत, मौलिक मौलिक मतलब एकदम बेसिक, फाइव प्राइमोर्डियल एलिमेंट, पंचभूतम, हमारे आयुर्वेद में पंच महाभूत कहा गया था, यहाँ पंचभूतम कहा गया है, वही पांचों चीजें हैं अर्थ वाटर फायर एयर स्पेस एंड सो इज मैन, और इंसान भी इसी चीज का बना हुआ है, इन पांच पंचभूतम का। बात समझ में आ रही है, द पंचीकरणम थ्योरी है ना, इसकी एक पंचीकरणम थ्योरी है, ठीक है। तो हो सकता है सुना हो शायद तुम लोगों ने फाइव फोल्ड कॉम्बिनेशन, इंग्लिश में कहा जाता है फाइव फोल्ड कॉम्बिनेशन, चार चीजों पांच चीजों कॉम्बिनेशन है, द पंचीकरणम थ्योरी ऑफ सिद्धा साइंस, सिद्धा साइंस की, सिद्धा साइंस की जो पंचीकरणम थ्योरी है एक्सप्लेन्स एक्सप्लेन करती है द ओरिजिन एंड फॉर्मेशन ऑफ दीज बेसिक एलिमेंट, जो पंचीकरणम थ्योरी है ये पांच एलिमेंट का ओरिजिन और फॉर्मेशन, कैसे उनकी उत्पत्ति हुई और कैसे बने, एज वेल एज द रोल ऑफ दीज फाइव, और इन पांचों के फंक्शन को समझाती है कौन सी, पंचीकरणम थ्योरी। बात समझ में आ रही है, ओके। रोल ऑफ दीज फाइव एलिमेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ एवरी सब्सटेंस बोथ इन द यूनिवर्स एंड इन ह्यूमंस, यानी पंचीकरणम थ्योरी बात करती है कि ये पांच तत्व कहां से आए और इस ब्रह्मांड को बनाने में और एक इंसान को बनाने में या इनके अंदर इनका क्या रोल है। बात समझ में आ रही है, आगे आते हैं। अकॉर्डिंग टू पंचीकरणम थ्योरी, पंचीकरणम थ्योरी के हिसाब से चलें, ईच ऑफ दीज फाइव एलिमेंट, ये जो एक एक एलिमेंट है इज सेट टू पजेस टू प्रॉपर्टी, ये पांच तत्व थे हमारे पास एलिमेंट थे अर्थ वाटर फायर एयर स्पेस, इसके अंदर दो प्रॉपर्टी पाई जाती है सबटल एंड सूक्ष्म, लघु सबटल मतलब बहुत छोटा, ग्रॉस मतलब बहुत बड़ा, दो प्रॉपर्टी पाई जाती है छोटी और बड़ी। दीज एलिमेंट, अब बात समझना यहां से, ऑलवेज एक्ट इन म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन, ये जो एलिमेंट्स हैं ये आपस में मिलकर काम करते हैं, अकेला कोई काम नहीं करेगा, एंड कैन नेवर एक्ट इंडिपेंडेंटली, मैंने कहा अकेले काम नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंटली मिलकर के काम करते हैं, इंडिपेंडेंट मतलब अलग अलग, द वेरियस प्रपोर्शन इन विच दे कंबाइन, जिस प्रपोर्शन में, प्रपोर्शन मतलब रेशो, जैसे है ना हम लोग कोई चीज बनाए जैसे कि पानी और मिट्टी ले ले या पानी और आटा ले ले, पानी कम रखेंगे आटा बहुत टाइट हो जाता है, पानी ज्यादा रखेंगे तो आटा थोड़ा ढीला हो जाता है, तो कम ज्यादा उनका रेशो प्रोपोर्शन है ना अनुपात, वो जिस अनुपात में मिलेंगे इन विच दे कंबाइन गिव राइज टू डिफरेंट सब्सटेंस, उसी हिसाब से अलग अलग सब्सटेंस को क्या करेंगे, पैदा करेंगे बनाएंगे। दस इस प्रकार दिस थ्योरी प्रपोजेस दैट, ये थ्योरी प्रपोज करती है 96 बेसिक फैक्टर, 96 बेसिक फैक्टर के एग्जिस्टेंस के बारे में बात करती है, एग्जिस्ट करते हैं, विच इज द बेसिक कॉन्सेप्ट अंडरलाइंग दिस होलिस्टिक मेडिसिन साइंस, ये 96 फैक्टर की बात करती है, यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो आओ देखें क्या कह रहा है, द 96 फैक्टर्स इंक्लूड फिजिकल फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी ह्यूमन, अब देखो जो 96 फैक्टर्स जो बोले गए हैं वो इंक्लूड करते हैं फिजिकल फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल इंटेलेक्चुअल, है ना, फिजिकल मतलब हमारी फिजिकल बॉडी, फिजियोलॉजिकल जो हमारी बॉडी के फंक्शन है सांस लेना पचाना खाना पचाना, साइकोलॉजिकल हमारे दिमाग से रिलेटेड, इंटेलेक्चुअल हमारे दिमाग से रिलेटेड, ठीक है, एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी ह्यूमन, द फाइव प्राइमोर्डियल एलिमेंट्स मैनिफेस्ट, या क्या कह रहा है, जो पांच प्राइमोर्डियल एलिमेंट है अर्थ पानी आकाश, ठीक है ना, मैनिफेस्ट देमसेल्फ एज अ ह्यूमन थ्रू दीज 96 बेसिक फैक्टर, कह रहा है ये जो पांच बेसिक एलिमेंट कौन कौन से हैं, अर्थ वाटर एयर है ना आकाश और जो स्पेस वगैरह है, वो पांच एलिमेंट इन 96 फैक्टर्स के थ्रू क्या कर रहे हैं, अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं एक्सप्रेस करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो आओ देखो जरा यहां पर हम समझने की कोशिश करें, अब यहां पर थोड़ा सा ये चीज जो पार्ट है तुम लोगों को बच्चों लोग थोड़ा सा समझना पड़ेगा और लर्न करना पड़ेगा, पंचभूतम फाइव एलिमेंट आते हैं, पांच हो गए इसके अंदर, ठीक है ना, ओके। पूरी, पूरी का मतलब हो गया सेंस ऑर्गन, जितने हमारे सेंस ऑर्गन है, सूंघने की शक्ति, सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, ठीक है ना, ये किसके अंदर आ गए, पूरी के अंदर। अच्छा ये थोड़ा सा क्या है, तमिल तेलुगु वर्ड का मिक्सअप है, साउथ का जो वर्डिंग है, पूलन फाइव सेंसेस, सेंस ऑर्गन है पूरी, पूलन फाइव सेंसेस, जो ऑर्गन्स है नाक कान ये पूरी, फाइव सेंसेस सूंघने की क्षमता वो सेंस हो गया, ठीक है ना,
कन्मेथिरियम मोटर ऑर्गन्स, मोटर ऑर्गन जो लेके जाते हैं सेंसेस हमारे, जो जैसे कि गर्म चीज को छुआ वो सिग्नल लेके जा रहा है, ठीक है, डेट इज मोटर ऑर्गन। ज्ञानेंद्रियम, एक तो जो ज्ञानेंद्रियम होता है तो ज्ञानेंद्रियम है ये, फंक्शंस ऑफ मोटर ऑर्गन, मोटर ऑर्गन ये ऑर्गन की बात हो गई, ये उसके फंक्शन की बात हो गई, ठीक है। देन कर्णम इंटेलेक्ट, ब्रेन से जुड़ा हुआ है। अरिवु सेल्फ रियलाइजेशन, खुद का आभास होना कि हाँ हम क्या है। नाड़ी चैनल्स ऑफ लाइफ फोर्स, हमारी जिंदगी के लिए जो फोर्स है उसको हम क्या बोलते हैं, नाड़ी, सुना होगा वर्ड ये। वायु वाइटल नर्व फोर्स, ठीक है ना, जो नर्व की फोर्स है उसको वायु कहा गया है। आशायम मेटाबॉलिक शीट्स, यानी कि हमारे बॉडी में जो रिएक्शन चल रही हैं। कोसम फाइव शीथ, पांच जो कवरिंग है। अथरम नर्व प्लेक्सेस, जहाँ पे नर्व आकर के जुड़ती हैं अलग अलग नर्व। मंडलम शीथ्स ऑफ ह्यूमर, जो हमारा ह्यूमर है फ्लूइड है बॉडी के अंदर, उनकी कवरिंग वो कितने अच्छे हैं, यहाँ काउंटिंग दे रखी सबकी, ठीक है ना। देन मलम, मलम की बात करें, इम्प्योरिटीज रिलेटेड टू साउल, है ना, मलम, मल जो था हमारा आयुर्वेदा में, साउल से रिलेटेड जो इम्प्योरिटी है। थोड़म ह्यूमर, जो हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड है। एडानाई अटैचमेंट्स डिजायर, है ना, हमारा जो लगाव है किसी से, हमारी जो इच्छाएं हैं रिलेटेड टू साउल्स, हमारी आत्मा से लेकर के। गुणम क्वालिटीज ऑफ माइंड, माइंड की जो क्वालिटी है, जो गुण हमने वहां देखे थे। विनाई फिजिकल एंड मेंटल एक्ट, जो हमारा फिजिकल मेंटल एक्ट है। रागम इमोशनल स्टेटस ऑफ माइंड, इमोशनली हमारा माइंड कैसा है। अवस्थाई स्टेटस ऑफ कॉन्सियसनेस, चेतना, ठीक है ना। तो ये सबको काउंट करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। इन फैक्टर्स के ऊपर ये पूरा क्या है, हमारा जो सिद्धा मेडिसिन सिस्टम है वो टिका हुआ है। आओ आगे देखें, अब क्या कह रहा है। रिलेशनशिप बिटवीन द बेसिक एलिमेंट पंचभूतम फाइव सेंस ऑर्गन पोरी एंड द फंक्शन ऑफ दिस सेंस ऑर्गन पुलन कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द टेबुलेशन, कह रहा है इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। अर्थ नीलम किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेंस ऑर्गन नोज को, फंक्शन सूंघने का काम। वाटर नीर माउथ टेस्ट का काम, है ना, मुंह में पानी आता है। फायर आईज विजन का काम। एयर स्किन टच का काम। स्पेस ईयर्स हियरिंग का काम, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सिस्टम बना रखा है, पांच महाभूत की बात करें सेंस ऑर्गन के रेस्पेक्ट में और उनके काम के रेस्पेक्ट में। आगे आए फिर कह रहा है इट कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द अबव टेबल, हम ऊपर की टेबल से डिड्यूस कर सकते हैं, एक अंदाजा लगा सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। दैट द सेंस ऑफ स्मेल परसीव्ड बाय द सेंस ऑर्गन नोज, जो सेंस ऑफ स्मेल है वो किसके द्वारा ली जाती है, नोज के द्वारा। इज ड्यू टू द एक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट अर्थ, अर्थ की प्रॉपर्टीज की वजह से। सिमिलरली द अदर सेंसेस कैन बी लिंक्ड टू कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इसी तरीके से क्या है, अदर द अदर सेंसेस कैन बी लिंक्ड टू कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, जो दूसरे सेंसेस है अपने अपने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से जुड़े हुए हैं। फिर यहां पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, 96 जो हम लोगों ने बातें की हैं फैक्टर्स की, उसमें क्या बोलता है। ह्यूमन बॉडी फॉर्म्ड बाय दीज 96 बेसिक फैक्टर इज कंडीशनड मेनली बाय, ठीक है ना, ये जो 96 फैक्टर्स हैं इनको कंडीशन किया जाता है, एक तरह से कह लो नरिश किया जाता है, इनको पालन पोषण किया जाता है किसके द्वारा। उइर थथकल जैविक खनिज, इसके अंदर कौन कौन आता है, ऑल्सो कॉल्ड ट्राइथोडम और मुकुट्रम, ठीक है ना, थोड़ा सा वर्ड टेढ़े मेढ़े हैं। आर थ्री ह्यूमर्स विज वातम पीथम और खबम, जो कफ पित्त और वात था इसमें वातम पीथम और खबम के नाम से है, ठीक है, यानी कि इनको नरिश करने के लिए हमें ये ह्यूमर्स की जरूरत है, बॉडी के फ्लूइड की जरूरत है। दूसरा उड़ल थथक्कल शरीर के खनिज, अब शरीर के खनिज कौन कौन होते हैं, जो सेवन टिश्यूज थे हमारे पास वहां पे, आर द फिजिकल कॉन्स्टेंट और द सेवन टिश्यूज, वहां पे कुछ और नाम थे, यहां पर नाम है सारम सेनेर ऊन कोंजुपू इनबू मुलाई एंड सुखिलम, थोड़े से नाम साउदर्न साइड के हैं तो उतना अच्छा हम लोग नॉर्थ साइड में उतना अच्छा प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे, बट ये जो शब्द हैं यहाँ पर, ठीक है, इस्तेमाल किए गए हैं किसके लिए, सिद्धा के लिए। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, ठीक है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन मेरा गड़बड़ हो सकता है क्योंकि इतने हम लोग माहिर नहीं है साउथ की लैंग्वेज में, बात समझ में आ रही है। तो तुम लोगों को, अच्छा अब तुम लोगों को क्या करना है, जैसे मान लो इसका एग्जैक्ट नहीं समझ में आ रहा, जैसे कि मान लो अब यही है, ठीक है, ये वर्ड है या ये वर्ड है, अब तुम उसको एग्जैक्ट कैसे बोलते हैं,
कोई दिक्कत नहीं है, लैंग्वेज नहीं सीखनी हमें। फिलहाल कैसे याद रख लोगे, कोंजुपु इस तरह से याद कर लोगे, मुलाई इनबु ऐसे याद कर लोगे, सुकीलम है ना इस तरह से याद कर लोगे, है ना, ट्राइथोडम मुकुटराम ऐसे करके याद कर लोगे, जो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन हमारा बन रहा है हमारे हिसाब से वैसे याद करने के लिए, ठीक है ना। बिल्कुल ये नहीं कि जो प्रोनाउंसिएशन है वैसे याद करो, क्लियर है। अब उइर थथक्कुल जर की थ्री ह्यूमर्स, उनका काम देखते हैं क्या है। तो 96 फैक्टर्स वो उनको नरिश करने वाले, उनको कंडीशन करने वाले, ये दो फैक्टर। उइर थथक्कुल लिटरली मीन्स लाइफ फोर्स, ठीक है ना, जिंदगी की ताकत। इन सिद्धा वाथम पीथम एंड काबम विच आर द थ्री ह्यूमर्स, जिसको तीन ह्यूमर्स कहा गया जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन प्रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड हेल्थ। ये रिस्पॉन्सिबल हैं, वाथम पीथम काबम ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, क्रिएशन के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए, प्रिजर्व करने के लिए एंड डिस्ट्रॉय करने के लिए ह्यूमन बॉडी और उसकी हेल्थ को। When they are in the state of equilibrium, इनका रेशो दिया गया 4:2:1, तब इक्विलिब्रियम में होते हैं, ऐसा आयुर्वेदा में भी हम लोग पढ़ रहे थे, the ratio in which they exist, जिस रेशो में रहते हैं, सिद्धा के हिसाब से our body remain in healthy state, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो हमारी बॉडी एक अच्छे स्टेट में रहेगी। While any disturbance in this ratio, इस रेशो में अगर कोई डिस्टर्बेंस आ गई, कोई दिक्कत आ गई, तो डिजीज वाली कंडीशन या डेथ मौत हो सकती है। बात समझ में आ गई। तो अब तीन चीजें वातम पीतम और काबम पढ़ लें थोड़ा सा इनके बारे में, क्या है। वातम रिप्रेजेंट द एलिमेंट एयर एंड स्पेस, कुछ ऐसा मिलता जुलता वहां पे था, तो दोनों को थोड़ा सा कंबाइंड लेके पढ़ना, नोट्स अवेलेबल होंगे तुम लोगों के पास। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ माइंड एंड बॉडी, किसके लिए जिम्मेदार है, दिमाग के लिए और शरीर के लिए। मोटर सेंसरी एक्टिविटीज, मोटर मतलब रिले जो हमारे मैसेज को कन्वे करता है, सेंसरी गर्म को छुआ ब्रेन ने पकड़ा, ये सेंसरी एक्टिविटी हो गई, ठीक है ना, मोटर जो लेके आएगी वापस, ठीक है ना। आर गवर्न बाय वाथम, वाथम के द्वारा ये दो नर्व एक्टिविटी की जा रही है। ऑल्दो यद्यपि वाथम इज प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी, पूरी बॉडी में ऑब्वियस बात है, ठीक है ना, पूरी बॉडी में, इट प्रीडोमिनेट इन द रीजन, ये सबसे ज्यादा प्रीडोमिनेट मतलब सबसे ज्यादा पाया जाता है बिलो नेवल, नाभि के नीचे पाया जाता है। एंड बेस्ड ऑन इट्स फंक्शन इट इज क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 10 टाइप्स, उनके फंक्शन के हिसाब से इसको 10 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन सी है 10 कैटेगरी, आओ देखते हैं। तो बात समझ में आ रही होगी, तो वातम की 10 कैटेगरी क्या क्या है, जो कंट्रोल करेगी रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन को उसे पिरानन कहा गया है, अबानन कहा गया है, जो कंट्रोल करता है एक्सरेटरी एक्ट, एक्सरेटरी मतलब जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट है, जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट है। वियानन स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी एंड कंट्रोल बॉडी मूवमेंट, ये पूरी बॉडी में फैलता है और हमारी बॉडी को क्या करता है, बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। समानन कंट्रोल डाइजेशन पाचन एब्जॉर्प्शन और एजिमुलेशन, उनका इस्तेमाल। उदानन कंट्रोल स्पीच, हमारी लैंग्वेज को कंट्रोल करता है। नागन रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉलेज एंड स्किल, जो हमारी नॉलेज और स्किल है उसके लिए जिम्मेदार है। कूर्मम कूर्मन प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड विजन, ये हमारी ताकत और विजन। किरुबरन ठीक है ना, इनका फंक्शन क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट एपेटाइट भूख और रिफ्लेक्सेस, जो हम लोग सोचते हैं समझते हैं हमारा एक्ट करते हैं, गर्म चीज को छूने से हाथ पीछे हो जाता है। देवाथतन रिस्पॉन्सिबल फॉर इमोशंस लाइक एंगर, ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, गुस्से के लिए। थनंजयन गेट्स एक्सपेल आउट फ्रॉम द बॉडी ऑन थर्ड डे आफ्टर डेथ, ये क्या होती है, बॉडी के मरने के तीसरे दिन बॉडी से बाहर हो जाती है। तो टाइप्स ऑफ वाथम और उनके फंक्शन, ठीक है ना, जिस वाथम में गड़बड़ी होगी हमारी बॉडी का वही फंक्शन काम करना कम कर देगा। रफनेस ड्राइनेस लाइटनेस एंड मोबिलिटी आर सर्टेन एटीब्यूट्स ऑफ वाथम, वाथम की वजह से हमें सूखा सूखा रख सकता है, ठीक है ना, भारीपन हल्कापन लग सकता है। मोबिलिटी आर सर्टेन एटीब्यूट, ये वाथम की कुछ क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं, गुण हैं। रफनेस ड्राइनेस लाइटनेस, अच्छा ये वाथम के गुण है हमारे नहीं, ठीक है, एट्रीब्यूट्स ऑफ वाथम। वाथम कैसा है, रफ रुखा रुखा है, सूखा है, हल्का है और मोबाइल है, मूव करेगा, ठीक है। इट आल्सो स्ट्रेंथन्स, ये मजबूत करता है 5 सेंसरी ऑर्गन्स को, जो हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स है उनको भी मजबूत करता है। एंड रेगुलेट रेस्पिरेशन एंड द फंक्शंस ऑफ फिजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, जो फिजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के फंक्शन है उडल थथक्कुल उनको भी क्या करता है, मजबूत करता है। एंड फिजियोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस ऑल्सो कॉल्ड वैगेंगल, ठीक है ना, जिनको हम लोगों ने वैगेंगल के नाम से जाना है, उसको भी क्या करता है, ये स्ट्रेंथन करता है, क्लियर है। तो कोशिश करना, बहुत सारे वर्ड आ रहे हैं इसमें,
एकदम से याद करने की कोशिश मत करना, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना इसको। देन बात करें पिथम की, पिथम रिप्रेजेंट द एलिमेंट फायर, एक इसको रिप्रेजेंट करता है फायर, जिसको हम थी भी बोलते हैं इन अवर बॉडी, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ, हेल्थ को प्रिजर्व करके रखना, हेल्थ को जैसी है वैसी की वैसी मेंटेन करके रखना किसका काम है, पीथम का काम है। इट मेंटेन्स द बॉडी हीट, ये बॉडी की हीट को मेंटेन रखती है, फॉर नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डोमिनेट्स द, नॉर्मल फिजियोलॉजी के लिए बॉडी को हीट को नॉर्मल रखती है, एंड डोमिनेट द चेस्ट एंड एब्डोमिनल एरिया, कहां डोमिनेट होती है, सीने पर और पेट वाली जगह पर। इट एग्जिबिट इटसेल्फ इन फाइव फॉर्म, ये खुद पांच रूप में पाई जाती है, कौन कौन सी है, अनाला पीथम इन्वॉल्व इन डाइजेशन, ये डाइजेशन में हेल्प करती है, रंजगा पीथम इन्वॉल्व इन ब्लड सेल प्रोडक्शन, हमारे जो खून होता है उसको बनाने में काम करती है, सथागा पीथम इन्वॉल्व इन इंटेलेक्चुअल एक्ट, ये हमारे इंटेलेक्चुअल सोचे समझने की क्षमता पे असर करती है, ठीक है, अलोसागा पीथम गिव्स कलर एंड शाइन टू स्किन, हमारी स्किन को कलर शाइन देती है, देन पीरासागा पीथम इन्वॉल्व इन विजुअलाइजिंग एंड एनालाइजिंग प्रोसेस, प्रोसेस को समझना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है क्या काम करना है उसके बाद हमें, ये उसमें काम करती है। फिर कह रहा हूं शब्द बहुत सारे आएंगे इसके अंदर, ठीक है ना। देन काबम, काबम इज फॉर्म्ड बाय एलिमेंट अर्थ एंड वाटर, किसके द्वारा बने हुए हैं, अर्थ और वाटर के द्वारा। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ ज्वाइंट मूवमेंट बॉडी बिल्ड एंड इंड्योरेंस, किसके लिए जिम्मेदार है, स्ट्रेंथ ताकत के लिए, ज्वाइंट मूवमेंट हमारी हड्डियों के जोड़ है, बॉडी बिल्ड हमारा जो बॉडी बना हुआ है, और इंड्योरेंस वो मजबूत है, ठीक है ना, इन सब चीजों के लिए काबम रिस्पॉन्सिबल है। डोमिनेट द हेड एंड नेक रीजन, कहां पाया जाता है, ये हेड पे और नेक के रीजन पाया जाएगा। देयर आर फाइव फॉर्म्स, इसके भी पांच रूप हैं, कौन कौन से हैं आओ देख लें, अवलम बागम, ठीक है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन उतना अच्छा नहीं फिर बता रहा हूं मैं, जैसे याद कर पाए वैसे इसको याद करेंगे। लोकेटेड इन द लंग्स, कहां लोकेटेड है ये, हमारे लंग्स में, एंड कोऑर्डिनेट द अदर फॉर्म्स ऑफ काबम, और दूसरे फॉर्म्स जो होते हैं काबम के उनको कोऑर्डिनेट करते हैं, तालमेल बैठाते हैं उनके बीच में। देन काइलेथम एड्स डाइजेशन, ये डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। पोथगम हेल्प्स इन परसेप्शन ऑफ टेस्ट, टेस्ट को कैसा टेस्ट है, खट्टा मीठा कड़वा। देन थर्पागम कूल्स द आइस, क्या कर रहा है ये, आइस को कूल करता है। संथिगम रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट्स ऑफ जॉइंट, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मूवमेंट ऑफ जॉइंट के लिए, हमारे जॉइंट्स के मूवमेंट है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो नाम है बहुत सारे इसके अंदर, ठीक है, जितना याद करो उतना कम है, खैर इसलिए कहा प्रिंसिपल पे टिके रहना, बहुत ज्यादा दाएं बाएं भागने की जरूरत नहीं है, प्रिंसिपल ही याद कर लो उतने काफी है, वही अपने कोर्स में भी है। आगे आते हैं, देन देखते हैं इसमें यहां पर क्या है, उड़ल थथक्कल फिजिकल कॉन्स्टेंट, है ना, द ह्यूमन बॉडी इज कंस्टिट्यूट ऑफ सेवन टिश्यूज, यहां पर ये किसके बारे में बात करता है, सेवन टिश्यू के बारे में बात कर रहा है। तो अब अगर जरा तुम लोग गौर से देखोगे, मैं फिर कह रहा हूं सेवन टिश्यूज की बात आयुर्वेदा में भी हुई थी, तो वहां पे कुछ शब्द हमारे क्या जाने पहचाने थे, तो दिक्कत ज्यादा नहीं हुई थी, लेकिन यहां थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि शब्द हमारे जाने पहचाने नहीं है। एज इट्स फिजिकल कॉन्स्टेंट विच आर नोन एज उड़ल थथक्कल, ठीक है, आगे आते हैं, फिजिकल कॉन्स्टेंट उदल थथक्कल, सारम सेन्नर ऊन खोजुप्पू इनबू मुलाई और सुखिलम या सूरोनिथम, इसका किससे कनेक्शन है, प्लाज्मा से, ठीक है, प्लाज्मा बेसिक एलिमेंट इसका क्या होगा, पानी होगा। सेन्नर किसका कनेक्शन है, ब्लड से, इसका बेसिक एलिमेंट फायर और वाटर होगा। इसी तरह ऊन का मसल, तो मसल अर्थ और वाटर हो गया उसके अंदर, ठीक है। खोजुप्पू एडिपोज टिश्यू यानी कि फैट, एडिपोज टिश्यू कौन से होते हैं, फैटी टिश्यू, तो वाटर और अर्थ हो गया। इनबू बोन, तो अर्थ और एयर हो गया। अब ऐसे देख सकते हैं हम लोग, बोन के अंदर हड्डी सख्त होती है और गैप्स भी होते हैं, हवा भी होती है, तो अर्थ और एयर हो गया। मुलाई मैरो मज्जा जो बोन के अंदर होता है, बताया था मैंने ना, बोन के अंदर भरा होता है, डेट इज वाटर और एयर कनेक्टेड उससे। सुकिलम और ये मेल और फीमेल हारमोन्स रिप्रोडक्टिव टिश्यूज, और जो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज है उनसे रिलेटेड है, इसके बेसिक एलिमेंट कौन है, फायर और एयर है। तो बात समझ में आ रही है, यानी कि हम कह सकते हैं प्लाज्मा उसको कौन बना रहा है, पानी बना रहा है, हमारी बॉडी में जो पानी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारी बॉडी में जो आग और पानी वो ब्लड को कंट्रोल कर रही है एक तरह से। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा समझ सकते हैं। तो कौन सी चीज किससे रिलेटेड है या किससे बनी हुई है, उसके कौन से बेसिक एलिमेंट है जिनसे वो बना हुआ है, तो यही सब बातें, क्योंकि हर एक चीज को बेसिकली पांच तत्व, फायर वाटर अर्थ एयर, इनमें क्या किया गया है तोड़ करके समझने और समझाने की कोशिश की गई है। आगे देखें क्या है, ईच ऑफ द अबव फिजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टेन फंक्शन, जो ऊपर के
कॉन्स्टेंट है, उनके कुछ काम भी है। आओ देखें, सारम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नरिशमेंट, इसके फंक्शन ठीक है ना। सेनीर नरिशेस द मसल्स इंपार्ट कलर। अब देखो यहां पर कुछ ऐसा कर सकते हो, जैसे सेनीर है ब्लड फायर और वाटर, ठीक है ना। और उसके बाद आया हम लोग क्या, ओन रिस्पॉन्सिबल शेप ऑफ द बॉडी, ये बॉडी के शेप के लिए है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर ऊन में क्या है, मसल्स है, तो हमको क्या मिल रही है, शेप मिल रही है। और शरीर में क्या है, ब्लड है, तो ब्लड का काम क्या होता है, नरिश करना होता है। तो क्या कर रहा है, नरिश कर रहा है। खोजुपू, खोजुपू की बात करें, एडिपोज टिश्यू फैट, ठीक है ना। लुब्रिकेट, यही लुब्रिकेट हमने आयुर्वेदा में पढ़ा था, फैट क्या कर रहा है, लुब्रिकेट कर रहा है जॉइंट्स को, मेंटेन बैलेंस, ठीक है। इसी तरीके से हम चीजों को कोलेट कर सकते हैं। देन इनबू, इनबू की बात करें तो इनबू क्या है, बोन। तो बोन हमारा क्या करने वाला है, सपोर्ट द बॉडी स्ट्रक्चर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर पोस्चर एंड मूवमेंट। देखो वही सारी कहानी है, बोन के फंक्शन लिखे हुए हैं यहाँ पर। मोलाई इम्पार्ट स्ट्रेंथ एंड्योरेंस एंड शाइन, सो क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन। ये लास्ट में किसका था, मेल और फीमेल के पार्ट के लिए था, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, रिप्रोडक्शन के लिए है। तो चीजों को थोड़ा सा कोलेट करके पढ़ोगे तो चीजें बहुत ईजिली समझ में आएंगी और इसमें काफी कुछ लिख पाओगे। क्या कह रहा है, द फूड वी इनटेक नरिशेस ईच ऑफ द फिजिकल, जो हम लोग खाना खाते हैं वो नरिश करता है ईच ऑफ द फिजिकल कॉन्स्टेंट। ये जो फिजिकल कॉन्स्टेंट है हमारे पास, ठीक है, ये जो हमारे पास फिजिकल कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना, इनको नरिश करने के लिए जो हम खाना खाते हैं उनको नरिश करता है। इन ए सीक्वेंस बिगनिंग फ्रॉम सारा, इसी सीक्वेंस में करेगा, सबसे पहले इसको करेगा, फिर इसको, 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 प्रोवाइड इन अ सीक्वेंस फ्रॉम सारनाम एंड प्रोवाइड टोटल नरिशमेंट टू द बॉडी ऑन एट्थ डे, और धीरे धीरे जाकर के वो आठवें दिन जाकर के पूरा नरिशमेंट दे पाता है। आफ्टर नरिशिंग ईच कॉन्स्टिट्यूएंट, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट को नरिश करने के बाद जो खाना हमने खाया है वो आठवें दिन जाकर के, साथ ही हो गए आठवें दिन जाकर वो फिर खाना हमारी बॉडी पर लगना स्टार्ट होता है, यानी कि धीरे धीरे वो इन सबको पहले नरिश करता है। बात समझ में आ रही है, तो हमारा अच्छा खाना खाएंगे तो ये सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट हमारे हेल्दी रहेंगे तो हम भी हेल्दी रहेंगे। और इस तरीके से इसके जो सिद्धा की बेसिक प्रिंसिपल था उसको हमने डिस्कस किया। थोड़े से वर्डिंग की प्रॉब्लम रहेगी, मैं फिर कह रहा हूँ, थोड़ा सा क्या करोगे, लिख लोगे, बोल बोल के थोड़ा सा प्रोनाउंस करोगे, टफ है थोड़ा सा, क्योंकि पहली बार पढ़ोगे इसको तो टफ लगेगा ही ये, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, बेसिक है ये। थोड़ा सा कोलेट करके पढ़ोगे, कुछ टैबलेट कर लोगे, कोशिश करना समझ लेना चीज़ों को, और फिर थोड़ा सा अपने मन से बना के लिख सकते हो। तो पता है ना क्या करना है, रिवाइज करना है चीज़ों को। कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको मुझसे पूछो, मैं अब एक्टिव हूँ, ठीक है ना, फिटनेस की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, ठीक है। गला ही मेरा ऑलमोस्ट ठीक ही हो गया है, मेरे ख्याल से आवाज़ क्लियर थी कल भी, और इस वाले में भी क्या होगी, आवाज़ क्लियर आएगी। लेक्चर के नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो क्या करना है, नोट्स को निकालो और जो पढ़ाया है उसको रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो। ओके, ऑल द बेस्ट।